देख रहे हो आठ मैनिया और मेरा नाम है के और इनका नाम है इनका नाम है अबर। और अबर और मैं लाए हैं आपके लिए एक और अमेजिंग सी ड्राइंग की वीडियो और हम इसमें बनाएंगे टूकन्स। टूकन्स बहुत ही कलरफुल और अमेजिंग बर्ड होता है और आज हम जानेंगे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी और साथ में सीखेंगे कि टूकन्स बनता कैसे है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोकन की चोंच बनाऊंगी जो कि काफी लंबी होती है। इसी बीक की वजह से टोकन को खाना ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है। बीक को हम कुछ इस शेप में बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसका हेड बनाएंगे। हेड को ऊपर से मैं राउंड शेप करने के बाद नीचे को लेके आऊंगी और फिर हेड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बारी है इसकी आईज की। हमने एक बड़ा सा राउंड लिया है और इस राउंड के अंदर हम एक और राउंड बनाएंगे। इसके कॉर्नर पर एक और राउंड बनाएंगे और एक छोटा सा होल बनाएंगे और बाकी की जगह को ब्लैक कलर से फिल करेंगे। इसके बाद हम इसके पर बनाएंगे। इसके पंख में कुछ इस शेप में बना रही हूँ। पंख बनाने के बाद हम इसकी एक पूंछ बनाएंगे। इस पूंछ को भी हम सेम टेक्निक से बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसके पंजे बनाएंगे। और बॉडी शेप को कंप्लीट करेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें एक शाख डाली है ताकि ये और भी प्यारा दिखे। इसके लिए हम कुछ इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसमें कुछ लीव्स बनाऊंगी। क्या आपको पता है टोकन्स डीप फॉरेस्ट और कनोपिस में रहना पसंद करते हैं। अब बारी है इसको कलर्स करने की। ये डार्क ब्राउन कलर में इसके अंदर करूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर करूंगी। इसकी बीक कंप्लीट होने के बाद इसकी आईज में मैं येलो कलर करूंगी। टोकन्स में काफी किस्म के कलर्स पाए जाते हैं, ये काफी कलरफुल होता है। बाकी की जगह में मैं ब्लैक कलर करूंगी। कलर्स करते करते मैं आपको बताती चलूं कि टोकन्स एक बहुत ही यूनिक बर्ड है जो कि एट द सेम टाइम बहुत सारे वोकल्स यानी कि आवाजें निकाल सकता है। इसी के साथ ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी के साथ मैं चलूंगी, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।